2001 साल में जब मैं महाराष्ट्र की महिला आघाड़ी की अध्यक्ष थी तो हम रावेरी में बहुत बड़ा अधिवेशन लिया था। तो फिर रावेरी के समय में महाराष्ट्र की अध्यक्ष थी और लक्ष्मी मुक्ति कार्यक्रम चल रहा था। लक्ष्मी मुक्ति कार्यक्रम यानी कि साहब ने ऐसे बोले सब किसानों को कि तुम्हारे यहाँ की औरत सबसे ज़्यादा काम करती है, सवेरे उठ के रात के 12 बजे तक के सब को खाना खिला के, गैया को चारा डाल के सब काम करके फिर सोती है, तो तुम उसको क्या देते हो? तो फिर तुम्हारे जमीन के हिस्से से 2 एकड़ 3 एकड़ तुम तुम्हारे घर के लक्ष्मी के नाम से कर दो। तो फिर साहब ने बोले तो किसानों ने कर दिया, मुझे भी उसमें 3 एकड़ ज़मीन मिली थी लक्ष्मी मुक्ति में। और वो तो हमने रावेरी में बहुत बड़ा अधिवेशन लिया। एक बात है कि जैसे किसान देश का गुलाम है वैसे स्त्री भी ये सब व्यवस्था की गुलाम है। उसके सरीका सब स्त्रियों ने स्वयं सिद्धा बन के अपने खेती के लिए झगड़ना चाहिए। अपने पर जो जो अन्याय होता है ये सरकार के साथ में, अभी बीटी बियानों का है, बीटी लगाने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमारी खेती हमारी है, प्रयोगशाला है, हम मालिक है, तो हमारे मालिक को ये सब अधिकार मिलना चाहिए। और ये बीटी बियाना जो तंत्रज्ञान की आज़ादी और मंडी की आज़ादी ये हम लोगों को मिलना चाहिए। तो लक्ष्मी मुक्ति का जो प्रोग्राम है, तो लक्ष्मी मुक्ति का कार्यक्रम है ने जब आदरणीय शरद जोशी ने सब किसान भाइयों को बोला कि संपत्ति यानी एक घर की मालकिन है और ये जब सब घर का करती है और इसको कुछ मिलता नहीं तो बराबर की वाटेकरीन है, यानी बराबर की हिस्सेदार है तुम्हारे इसमें। तो ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी देता नहीं था पूर्वी, पहले तो लड़के को कोई भी मिलता था लेकिन लड़की को ऐसे प्रॉपर्टी नहीं देते थे, शादी में उसको हुंडा दे के वही उसका शेयर दिया ऐसे बोलते थे। लेकिन साहब ने बोलने के बाद में सब किसानों ने लक्ष्मी के नाम से ये अपने ज़मीन का टुकड़ा कर दिया और उसको साहब मंगल सावकाराचे देने ऐसे बोलते थे कि बहुत अच्छा काम है। और वो जो प्रॉपर्टी राइट का अधिकार जो है कि खुली व्यवस्था आने वाली है, खुली व्यवस्था में व्यक्ति को महत्व है, व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व है और इसके कारण व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी होना ज़्यादा जरूरी है। जब प्रॉपर्टी होती है तो उसमें अलग आत्मविश्वास आता है, किसान को भी उसके प्रॉपर्टी राइट मिलना चाहिए करके हमने ये संपत्ति अधिकार का अधिवेशन बहुत बड़ा वहाँ पे लिया था कि किसान ये देश का गुलाम है, ये कितना भी उगाएंगा, ये कितना भी देश को खिलाएंगा, अन्नदाता बोलेंगा, पोशिंदा बोलेंगा, उसको देश का राजा बोलेंगा, फिर भी सरकार उसको कभी भी उसकी ज़मीन लूट सकते हैं करके उसकी प्रॉपर्टी ये किसान को मिलना चाहिए और किसान को उसके ज़मीन का पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि उसकी ज़मीन देना नहीं देना ये किसान को ठहराने का अधिकार होना चाहिए। इसके बारे में ये संपत्ति अधिकार का बहुत बड़ा अधिवेशन हमने वहाँ पे लिया था 2001 में। और ये जो लक्ष्मी मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा था ये 90 साल से चल रहा था, 91 में खुली व्यवस्था आ रही, नरसिंह राव ने खुली व्यवस्था लागू की। और शेगांव में फिर हमने शरद जोशी ने नारा दिया था कि सीता सेती, मजगर सेती, व्यापार सेती, निर्यात सेती, ये 4 टप्पे में किसान की खेती है और किसान को पूरा अधिकार चाहिए। उसको मंडी का चाहिए कि हमने कपास हमने खेत में कौन सा लगाना, कौन सा बीज लगाना, फिर उसके ऊपर प्रक्रिया करना कि कच्चा माल बेचना, हमने आरवी में बेचना, नागपुर में बेचना कि बम्बई जाके बेचना, ये सब अधिकार किसान को होना चाहिए ऐसे शरद जोशी बोलते थे। हमारे यहाँ से यदि रास्ता जाता है वो वहाँ पे बैठ के तय करेंगे और पाचे गांव जो हमारा गांव है पुलगांव रोपे रास्ता जाता है तो वो ले लेंगे और वो ये भी नहीं सोचेंगे। धरन के समय तो ज़मीन लेते समय किसानों का इतना नुकसान हुआ कि ज़मीन के बीच में से कैनाल लेके गए और कैनाल बीच में से जाने के आजू बाजू की पूरी ज़मीन बंजर हो गई और उसको जो मोबदला मिलना चाहिए वो मोबदला भी नहीं मिला। अभी 78 में हमारे खेत से रास्ता गया है, तो जब रास्ता गया तो उनको तब तो हमें मोबदला भी नहीं मिला। वो सरकार समझती थी कि प्रॉपर्टी हमारी है, हमारा 15 एकड़ की ज़मीन जो थी, तो अभी 12 एकड़ इधर है और बीच में से रास्ता गया और आधा एकड़ का टुकड़ा उधर पड़ा है। तो सरकार की मनमानी जो चलती थी, तो हमारे धुरे पे हम जो झाड़ लगाते थे आम का हो, इमली का हो, साग का हो, तो किसान को जो जो हम लगाते थे
तो किसान को काटना है तो उसकी परमिशन लेना पड़ता। अरे हमने लगाया तो हमने परमिशन नहीं ली, हमारे खेत पे का झाड़ ये हमको मिलना चाहिए। तो ये भी कायदा है, ऐसे शेड्यूल 9 में जो कायदे है ये सब खेती के विरोधी कायदे हैं। और ये कायदे तोड़ने का काम करके हम बोलते थे कि ये सब अधिकार किसान को होना चाहिए, किसान की प्रॉपर्टी किसान की रहनी चाहिए, और किसान को ऐसे बोलने का हक होना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, अब हमारी जो ज़मीन रास्ते में गई तो हम थोड़ी बोल सकें। ये लोगों ने थोड़ी कोर्ट में गए, क्योंकि कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं था, वो ज़मीन का मुबदला भी नहीं मिला और पूरी ज़मीन हमारी गई है। तो ऐसे बोलते थे कि सार्वजनिक काम के लिए सरकार कभी भी किसान की ज़मीन ले सकता है। तो ऐसे किसी का व्यापारी का दुकान हो, किसी का पेट्रोल पंप हो, तो ऐसा नहीं ले सकता। मुझे हिंगोली में एक पत्रकार में प्रश्न पूछा था, तो उसका प्रॉपर्टी राइट उसे मिलना है, संपत्ति अधिकार जब तक मिलता नहीं तब तक के उसे जो आज़ादी मिलती नहीं, आज़ादी मिली तो सब कर सकता है, जैसे अभी ये बीटी बियाना लगा सकता है। बीटी बियाना लगाने के पास में मेरे पास यदि कपास ज़्यादा है तो मैं रेचा डाल सकती हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। सरकी और रुई ये हम अलग निकाल नहीं सकते, किसान को अधिकार नहीं है। धान का छिलका नहीं निकाल सकते, तुअर की दाल नहीं बना सकते। ये शेड्यूल 9 में जो सब पाबंदियाँ लगाई है उसके कारण मंडी की आज़ादी और तंत्रज्ञान की आज़ादी भी किसान को नहीं है, ये मिलना चाहिए, ये हम ये इसके वजह से बोलते हैं। तो आज़ादी मिलेंगी तो प्रगति होंगी, प्रगति होंगी तो ही समृद्धि आ जाएंगी ना, समृद्धि आएंगी तो देश की भी प्रगति होंगी। मेरे गाँव में यदि पैसा आता है तो मजदूर के हाथ में पैसा जाता है, मजदूर के हाथ में पैसा गया तो वो मंडी में आता है, मंडी में आया मेरे घर में पैसा आया तो वो बैंक में जाएगा, बैंक का कर्जा जाएगा, और बैंक के पास गया तो देश की भी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएंगी। ऐसा ये सब यानी किसान का ये जी खेती का नियम है, ऐसा आज़ादी का नियम ऐसा बोलते हैं।